अध्याय 5 अनुपात और समानुपाती। समानुपाती प्रोपार्टीशन दो तुल्य अनुपातों के संबंध को समानुपाती कहते हैं। समानुपाती के चिन्ह हैं, जैसे दो तुल्य अनुपात 30/50 और 60/100, अर्थात 30/50 इक्वल टू 60/100। 1-0 दोनों पक्ष 1-0 1-0 कैंसिल हो जाएगा, 1-0 1-0। 3 2 3 2 5 3/5 इज इक्वल टू 3/5। ए बी सी और डी, ए अनुपात बी इज इक्वल टू सी अनुपात डी, या ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ए और डी को ए प्रथम पद और ए और डी को चरम पथ तथा सी को मध्य पथ कहते हैं। उदाहरण 7-3-21 की चतुर्थानुपाती राशि पता करें। हल, माना चतुर्थानुपाती x है, 7:3 समानुपात 21:x, 7/3 = 21/x। त्रिया गुना करने पर 7 × x इज इक्वल टू 3×21, 7x इज इक्वल टू 63, x इज इक्वल टू 63/7, 7 × 7 निया इज इक्वल टू 9। चतुर्थानुपाती 9 है। सतत अनुपात, सतत समानुपात, कंटिन्यूटेड प्रोपार्टीशन ऐसी राशि जिनमें पहली और दूसरी राशि में वही अनुपात होता है जो दूसरी और तीसरी राशि में है, और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर के भी होता है। a/b = b/c = c/d = d/e डैश ये सतत समानुपात है। ए अनुपात बी अनुपात सी, बी को ए और सी के मध्य अनुपाती कहेंगे। ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, a/b = b/c। त्रिया गुना करने पर ac = b × b, ac = b² b = ±√ac। एग्जाम्पल 6 और 54 का मध्यानुपाती पता करें। हल, माना 6 और 54 के मध्यानुपाती k है, 6:k = 54, या 6:k = k/54। 6/k = k/54। त्रिया गुना करने पर k × k = 6×5, 6×54, k² = 324, k√324±18। अगला एग्जांपल x² + 4xy² का तृतीयानुपाती पता करें। हल, माना x² + 4xy का तृतीयानुपाती p है। x² = 4xy / p, x² = 4xy = 4xy/p, x² = 4x² / p। ये गुना करने से 8xy × p = 4×16, x² x^4, y × y y² दोनों पक्ष से एक के घात 1 कम हो जाएगा और दूसरे से y के घात 1 कम होगा। तो 8p = 16x³y, p = 16
एक्स पावर थ्री वाई बाई एट आठ का मार दूने पी इजक्वल टू टू एक्स क्यूब वाई। अगला आइटम, यदि ए बी ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो तो सिद्ध करें कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इजक्वल टू ए सी बाई बी डी। हल ए बाई बी इजक्वल टू सी बाई डी इजक्वल टू के, ए इज इक्वल टू बी के सी इज इक्वल टू डी के। लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू मान रखने पर बी के का होल स्क्वायर माइनस डी के होल स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर कामा बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हर अंश कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू के स्क्वायर। राइट हैंड साइड ए सी बाई बी डी इज इक्वल टू डी के इंटू डी के बाई बी डी इज इक्वल टू के स्क्वायर फिर डी बी कैंसिल हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है।